हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो जब हम किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर देखते हैं कि जब कोई सड़क पर सर्कुलर टर्न होता है तो उसका जो आउटर साइड होता है, यानी सड़क का जो आउटर साइड होता है, वो इस तरह से उठा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का क्या रीज़न है, क्यों रोड का जो आउटर सरफेस होता है या आउटर साइड होता है उसको बेंट किया जाता है या किसी एंगल से उसको उठाया जाता है, उसका क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसी को हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लेवल रोड जो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर स्पीड क्या होता है, और वही और उसी के जगह पर अगर हम लोग रोड को बेंट कर देते हैं तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लेवल रोड पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पर एक कार मूव कर रही है। तो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, मान लेते हैं कि ये सेंटर हो गया, तो इस सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो उसको हमने एफसी से डिनोट किया है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² / r, यानी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनर्शिया या फर्स्ट लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में ही बना हुआ रहना चाहता है, लेकिन इस कार को इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना है, इसलिए इस कार पर एक फोर्स लगता है, इनवर्ड फोर्स लगता है जो इस कार को इस सर्कुलर पाथ पर बनाए रखता है। और वो जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = Fs, यानी इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कार इस सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाता, लेकिन इस सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए इस डायरेक्शन में एक जो फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के चलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इस कार के इस डायरेक्शन के मोशन को अपोज कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जो मोशन होना चाहिए उस मोशन को स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इसीलिए इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। और जनरली हम देखते हैं कि लेवल रोड पर ये जो कार है इस पर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेज लगेंगे। पहला फोर्स हो गया वेट, इसके मास के कारण w = mg हो जाएगा जो डाउनवर्ड है, और एक नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग फोर्स इक्वेशन में लिख सकते हैं n - mg = 0 और n = mg, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने यहाँ पे जैसे कि अभी बात किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पे Fc सेंट्रीपिटल फोर्स = स्टैटिक फ्रिक्शन < μSn, और Fc = mv² / r हम लोग लिख सकते हैं < μSn के जगह पे हमने लिखा mg, और इस तरह से v² < μSrg, और भी मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो = √μSrg, तो भी मैक्सिमम हो गया √μSrg, और इस मैक्सिमम स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पर ये कार ट्रेवल कर सकती है। अगर स्पीड इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कार स्किड कर जाएगी। तो ये जो भी मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम स्पीड हो गया सेफ ड्राइविंग के लिए, यानी अगर ये कार इस सर्कुलर पाथ पर मूव करना चाहती है तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है वो इतना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि बैंक रोड में इस स्पीड को हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं, या फिर इस स्पीड का इस या फिर मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो हम लोग फिगर से देख सकते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का सेंटर इस साइड में होगा, और ये अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया तो बैंक रोड में जो होता है ये आउटर सरफेस
ये आउटर सरफेस ऑफ द रोड जो होता है यानी सेंटर से बाहर की ओर जो रोड का हिस्सा होता है या पार्ट होता है वो उठा हुआ रहता है, यानी इस टाइप से उठा हुआ रहता है, और जो इनर पार्ट होता है वो नॉर्मल रहता है। तो फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेंट रोड है, यहाँ पे कोई कार मूव कर रही है जिसका वेलोसिटी भी है, और इसका जो इस रोड का जो आउटर सरफेस है वो उठा हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड बोला जाता है। तो अगर हम लोग कार का FBD बनाएं यानी अगर इस कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो मान लेते हैं कि एंगल थीटा से आउटर सरफेस ऑफ रोड जो है वो उठा हुआ है, का वेट होगा डाउनवर्ड W=mg निकल से, तो इस नॉर्मल का जो इस साइड में कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा N cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा N sin थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और मान लेते हैं कि ये एंगल भी हो गया थीटा, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा Fs cos थीटा, और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो हो गया Fs sin थीटा। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक N sin थीटा दूसरा F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हो गया कार का वेट, एंड दूसरा हो गया Fs sin थीटा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल डाउनवर्ड एंड दूसरा हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि N cos थीटा = mg + Fs sin थीटा, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब इस पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है यानी इस कार पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, वो हो गया N sin थीटा + F cos थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स Fc = N sin थीटा + Fs cos थीटा, और इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन टू हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ से दो इक्वेशन बनाए, एक हो गया N sin थीटा = mg + Fs sin थीटा एंड Fc = N sin थीटा + Fs cos थीटा, और यहाँ पे N जो हो गया वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, Fc सेंट्रिपिटल फोर्स एंड Fs जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है Fs = μSn। अब हम लोग इक्वेशन टू में Fs के इस वैल्यू का यूज़ करके N का वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि Fc = mv² / r, Fc को हमने mv² / r लिखा जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, N को हमने N ही रखा, और ये हो गया sin थीटा प्लस। अब Fs का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से पुट करेंगे Fs = μSn cos थीटा, तो अब हम लोग इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमने n को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा mv² / r, और मान लेते हैं कि ये कैपिटल R है तो इसको हमने r लिखा, और यहाँ से आ जाएगा sin थीटा + μS cos थीटा। तो इक्वेशन टू से हमको मिला N = mv² / r sin थीटा + μS cos थीटा। तो इसको हम लोग और एक इक्वेशन मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यह हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन वन से भी n का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी दोनों साइड अगर हम लोग इक्वल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग Fs के जगह पर μSn का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा N cos थीटा इस इक्वेशन से mg + Fs के जगह पे μSn sin थीटा, और यहाँ से हो जाएगा N = mg / cos θ - μS sin θ, और इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन 4 हो गया। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम लोग
कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स इक्वल टू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ भी स्केल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और ये हो जाएगा हाफ, तो भी मैक्सिमम स्केल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब रोड को बैंक्ड किया जाता है तो उस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो लेवल रोड से ज़्यादा है, क्योंकि लेवल रोड में जो भी मैक्सिमम था वो था भी मैक्सिमम स्केल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, और ये जो स्पीड है इस स्पीड से ग्रेटर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि भी मैक्सिमम बैंक रोड इज ग्रेटर देन भी मैक्सिमम इन लेवल रोड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखा कि बैंक रोड पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होता है वो लेवल रोड के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसीलिए जो सर्कुलर टर्न होता है वहाँ पे रोड को बैंक्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम लोग एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर रोड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा यानी म्यू एस का वैल्यू जो है अगर वो जीरो होगा तो उस केस में भी स्पीड हो जाएगा वी नॉट स्केल टू, हम लोग लिख सकते हैं आर जी, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह म्यू एस है और म्यू एस का वैल्यू हमने जीरो कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा। तो इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि अगर रोड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा और अगर वो बैंक्ड किया हुआ रहेगा तो उस केस में भी उस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा विदाउट फ्रिक्शन। इस अब अगर हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी और थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस स्पीड पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी अगर इस स्पीड पर कोई कार सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो उसके टायर्स पर कम फ्रिक्शन लगेंगे, यानी उस केस में टायर्स के नुकसान भी कम होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड्स के पीछे क्या रीज़न होता है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।